बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम अलैकुम। जैसे कि लास्ट हमने 12.26 तक डिस्कशन कर ली थी, नाउ हम 12.27 से ऑनवर्ड डिस्कशन करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, 12.27 होप्स आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, तो जिनसे नहीं हुआ और मेरा इंतज़ार कर रहे थे तो आई एम हेयर, ठीक है। लेट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27। ऑन एनी गिवन डे the probability that the entire family of Mr. Y eats dinner together is 2/5. On any given day, किसी एक दिन Mr. Y की जो सारी के सारी family है वो सारे के सारे इकट्ठा रात का खाना खाते हैं, उनके खाने खाने की, इकट्ठे खाने खाने की जो probability है वो 2/5 है, ठीक है जी। अच्छा जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग एनी 7 डे, यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, पूरे हफ्ते में फैमिली फ्रेंड हैज ईच डिनर टूगेदर, यानी कि 7 दिनों में वो सारी मिस्टर वाई वाली फैमिली फिर इकट्ठा डिनर करे एटलीस्ट 6 टाइम्स। इसका मतलब 7 दिनों में से कम अज कम एटलीस्ट, आपको पता है हमेशा आपका क्वेश्चन होगा, हमेशा एक्स होगा, तो एटलीस्ट 6 टाइम्स वो 7 खाना खाएं। तो एटलीस्ट 6 मरतबा 7 खाने का मतलब ये है कि जो आपका एक्स बनेगा, एटलीस्ट 6 का मतलब 6 भी है और 7 भी है, क्योंकि टोटल 7 डेज हैं, तो मैक्सिमम हमारे पास 7 तक जाएगा। और खाना खाना और ना खाना, इसका मतलब 2 इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो 7 खाना खाना, ईट डिनर टूगेदर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ये पी बन जाएगा। इसका मतलब पी हमारे पास 2/5 है। तो चीज़ें पूरी करते हैं, टोटल 7 दिन ने, तो एन इज इक्वल टू 7 आ गया, और 7 खाना खाना ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, दैट इज द 2/5, और 7 ना खाना खाना ये क्यू बनेगा, दैट इज द 3/5, ठीक है, क्योंकि 1 - 2/5 करेंगे 3/5 बनेगा। और एक्स हमारे पास था क्वेश्चन जो था एटलीस्ट 6, तो एटलीस्ट 6 में क्या आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास सारा का सारा डाटा कलेक्ट हो गया बस, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2x हैं, 6 और 7, तो 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो नंबर 1 7c6 के लिए कर लेते हैं, तो 7c6 मल्टीप्लाई बाय 2/5 टू रेज पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3/5 टू रेज पावर 7 माइनस 6, दैट इज द 1, प्लस द नेक्स्ट वन इज 7, तो 7c7 मल्टीप्लाई बाय 2/5 टू रेज पावर 7 और मल्टीप्लाई बाय 3/5 टू रेज पावर 7c7, 7 माइनस 7 0, ठीक है। तो 7 माइनस 7 वैसे 1 होता है, 3/5 की पावर 0 1 होता है, तो इसका मतलब सिंपल आंसर तो ये बच जाएगा। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो आंसर आ जाएगा 0.0188, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आंसर कहाँ पड़ा हुआ, तो ये ऑप्शन बीटा में पड़ा हुआ, तो 0.0188 इज अवर राइट ऑप्शन, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है, अ टेलीविजन कंपनी लॉन्च अ न्यू चैनल, एक टेलीविजन कंपनी ने न्यू चैनल लॉन्च किया, आफ्टर द रैंकिंग ऑफ देयर चैनल देयर इज फाउंड दैट 80% ऑफ व्यूअर इन फेवर ऑफ हिज चैनल। और ये बिल्कुल इस जैसा वाला सवाल ही नहीं, जरा चेक करें ज़रा। एक लोकल न्यूज़ वाले ने कहा कि बताएं डैम बने या ना बने, 80% ने कहा डैम बनना चाहिए, 10% ने कहा नहीं बनना चाहिए, और बाकी 10 ने कहा कोई पता नहीं। ये तो बिल्कुल 26 क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। अगर आप देखें सिर्फ वर्डिंग का फ़र्क है, बाकी देखें यहाँ पे भी 80% व्यूअर ने सपोर्ट किया, यहाँ पे भी 80% जो व्यूअर हैं वो फेवर में हैं चैनल के, ठीक है, 10% अगेंस्ट, तो सेम क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी टोटल 7 ऑफ 10 पार्टिसिपेंट थे, यहाँ पर भी 10 पीपल है, ठीक है। और क्वेश्चन भी एटलीस्ट 8 था, और यहाँ पे भी क्वेश्चन एटलीस्ट 8 के साथ है, ठीक है जी। तो क्योंकि सब कुछ सेम ही है, तो चेक करें आंसर भी सेम है। हमने इसका आंसर फाइंड किया था 67.78, दैट इज 0.6778, ठीक है, देखें 0.6778,
और इसका आंसर भी देखेंगे यही है 0.6778, तो ये तो वैसे ही हमारा हो गया। ठीक है, आप 29 क्वेश्चन देख लेते हैं जनाब। इन क्वेश्चन नंबर 29, इन अ बेकरी 3 केक्स ऑफ फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल। कहता है हम एक बेकरी में गए और उस बेकरी में जो केक पड़े हुए थे फॉर एग्जांपल, तो फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल वाले 3 केक पड़े हुए थे, 4 केक्स ऑफ चॉकलेट, तो चोको वाले 4 केक पड़े हुए थे, 2 केक्स ऑफ बटर क्रीम स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी वाले हमारे पास 2 केक पड़े हुए थे, ठीक है, और 1 केक विदाउट क्रीम, इसका मतलब विदाउट क्रीम 1 केक अवेलेबल था। हम एक बेकरी में गए और वहाँ पे जो फ्रिज था वहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ के केक पड़े हुए थे, तो टोटल जो फ्रिज था उसमें जो टोटल केक पड़े हुए थे तो 3 + 4 = 7, 3 = 10 केक पड़े हुए थे। ठीक है जी, इफ़ 2 कस्टमर्स परचेज 1 केक, 2 कस्टमर आए और उन्होंने एक एक केक खरीदा, 2 कस्टमर आए तो फॉर एग्जांपल ये 2 कस्टमर आए, ये वाला कस्टमर आया, कस्टमर ए आया और कस्टमर बी आ गए, ये 2 कस्टमर आ गए केक लेने के लिए। ठीक है जी, अच्छा तो दोनों ने एक एक केक लिया, such that first cake is replaced before the sale of the second. For example, जब मिस्टर ए केक खरीदने आया ना तो मिस्टर ए ने जब फ्रिज में देखा तो 10 केक पड़े हुए थे। ठीक है, तो मिस्टर ए ने कहा कि फॉर एग्जाम्पल केक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द केक सोल्ड वुड बी ऑफ चॉकलेट फ्लेवर, यानी कि दोनों लोगों ने जो केक सिलेक्ट किया वो चॉकलेट फ्लेवर का केक सिलेक्ट किया, और कंडीशन यहाँ पे ये लग गई कि सच दैट फर्स्ट केक इज रिप्लेस बिफोर द सेल ऑफ सेकंड वन, यानी कि जो केक ए ने पसंद किया, पसंद करने के बाद दुकानदार ने वो केक दोबारा से फ्रिज में रख दिया और दोबारा से टोटल 10 केक हो गए, फिर बी से पूछा बताएं आपने कौन सा लेना है, तो बी ने भी दोबारा टोटल 10 केक में से सिलेक्शन की, यानी कि ए ने भी 10 केक में से सिलेक्शन की है और बी ने भी 10 केक में से सिलेक्शन की है, क्योंकि क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट आ गई है और जब क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट आ जाए तो क्वेश्चन जो है इंडिपेंडेंट इवेंट का बन जाता है। इसका बन जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट, और आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट में मल्टीप्लिकेशन लॉ लगता है, तो उसमें सिंपल प्रोबेबिलिटी ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ। इसका मतलब जब इस ए ने इन 10 केक में से ये चॉकलेट केक सिलेक्ट किया होगा तो चॉकलेट केक की प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 4 out of 10, तो जब ए ने केक सिलेक्ट किया होगा तो ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बनी होगी 4/10। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी बनी होगी, तो जब ए ने चॉकलेट केक सिलेक्ट किया तो चॉकलेट केक अब 4 नहीं 3 रह गए, तो दुकानदार ने कहा कि ए भाई प्लीज 1 सेकंड के लिए केक दोबारा दे दो, उस शॉपकीपर ने वो केक दोबारा से फ्रिज में रख दिया, तो दोबारा से चॉकलेट केक 4 पूरी हो गई क्योंकि उसने कहा इज रिप्लेस्ड, यानी कि दूसरा केक बेचने से पहले पहले वाले केक को हमने दोबारा फ्रिज में रख दिया, अब दोबारा 4 केक पूरे हो गए, दोबारा टोटल 10 केक पूरे हो गए, अब बी से पूछा भाई आपने कौन सा लेना, बी ने कहा मुझे भी चॉकलेट केक चाहिए, तो बी ने भी जो चॉकलेट केक सिलेक्ट किया वो भी 4 out of 10 वे से किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/10, तो 4 × 4 = 16, 16 / 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.16, तो इस तरीके से जो आंसर बनेगा वो ये डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, और जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 12.30 क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द हेल्पलाइन ऑफ एन ISP रिसीव एन एवरेज ऑफ 4 कॉल्स इन एवरी 5 मिनट्स। कहता है कि हेल्पलाइन वाले जो एवरेज 4 कॉल्स रिसीव करते हैं हर 5 मिनट, यानी कि जो ISP है वह हर 5 मिनट में 4 कॉल रिसीव करता है ड्यूरिंग पीक लोड आवर, एज्यूमिंग एन अप्रोप्रिएट पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करें, और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी बताएं कि 3 or more calls will be received during a period of 10 minutes।
यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर वो तीन या तीन से ज्यादा कॉल सुनेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं वो क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे जो असल में प्रोबेबिलिटी चाहिए वो 3 और 3 से ज्यादा, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इतनी नंबर ऑफ कॉल्स। अब कितनी कॉल्स आगे जाएंगी ये तो पता नहीं चल सकता मुझे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी मुझे नहीं पता, यानी कि इससे ऑनवर्ड जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या करूंगा, यहाँ से मैं कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी यूज करूंगा। हमें पता है कि कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी होती है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से फेल की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो पास होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह का टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें से माइनस कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर एग्जांपल ट्रुथ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रुथ की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स। ठीक है, तो ये कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसी तरह जो मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 टू ऑनवर्ड चाहिए, तो हमने कहा 3 से लेके ऑनवर्ड तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएंगी और जाना कहाँ तक है ये भी नहीं पता, तो हम यहाँ पे कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। तो कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब मुझे जो आंसर चाहिए 3 से आगे का चाहिए। तो मुझे कौन सा आंसर नहीं चाहिए, मुझे 0 प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं चाहिए, 1 का आंसर नहीं चाहिए और 2 का आंसर नहीं चाहिए। तो चेक करें, अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से 0, 1 और 2, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं चाहिए, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी में से ये वाली प्रोबेबिलिटी 0, 1, 2 की फाइंड करके 1 में से ये प्रोबेबिलिटी जो मुझे नहीं चाहिए माइनस कर दूं, तो वो वाला आंसर आ जाएगा जो मुझे चाहिए। तो ये हम कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज का यूज करेंगे जब हमें यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, तो उससे बेहतर है हम 0, 1, 2 कैलकुलेट करें, क्योंकि ये नहीं चाहिए तो 1 में से जो नहीं चाहिए वो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, और एग्जामिनर कह दिया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, तो अब कोई टेंशन में नहीं है। ठीक है, अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है 1 मिनट में वो रिवाइज करवा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। इस चैप्टर नंबर 12 के शुरू में भी मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की करेक्टरिस्टिक्स बता दी थी, तो अभी जल्दी से दोबारा बता देता हूँ। पॉइजन तब लगेगा जब एन वेरी लार्ज हो, पी जो प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस है वेरी स्मॉल हो, 5% से कम प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस हो, तब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। ठीक है जी, अच्छा, और इसमें याद रखने वाली बात यह, जो मीन होगा वह एन पी के इक्वल होगा, जो वेरियंस होगा वह मीन के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो ये मेन मेन बातें हैं, और ये इवेंट रेंडमली अकर हो रहा होता है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है, इंडिपेंडेंट, और ये ऐसा इवेंट होता है जो सिंगली अकर हो रहा होता है। ठीक है, 1 टाइम अकर हो रहा था, 5 मिनट के अंदर बताओ, 10 मिनट के अंदर बताओ क्या हो रहा होगा। ठीक है, और जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ई की पावर -μ मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर एक्स, और यहाँ पर एक्स का फैक्टोरियल, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी का, पॉइजन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया, और अब हमें ये चाहिए, तो फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले की मदद से ही पता चलेगा कि हमें करना क्या। तो फॉर्मूला लिखना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, और फॉर्मूले में हमारे पास आ गया ई की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर एक्स, और यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स का फैक्टोरियल। और आपको पता है ये जो मीन है, ये वाला जो मीन है, म्यू जो है पॉपुलेशन मीन, ये म्यू इक्वल होता है एन और पी के। ठीक है, तो अब हमें ये चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो देखें, ये तो एक्स हमारा क्वेश्चन बनेगा ना, तो 0, 1, 2 ये तो हमारा बन जाएगा एक्स, 0, 1, 2 तो एक्स बन जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं। ई तो एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट है, कैलकुलेटर से आ जाएगा, और मीन चाहिए, और मीन कैसे आएगा, अगर एन और पी को दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ। ठीक है, या तो एन और पी को मल्टीप्लाई करके मीन आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी उनकी गिवन है तो एन और पी को मल्टीप्लाई करके मीन आ जाएगा, अगर नहीं तो क्वेश्चन में डायरेक्ट हम ये एवरेज ढूंढने की शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये मीन एवरेज है, और शुरू में क्वेश्चन में उसने बताया हुआ कि ये एवरेज दिया हुआ है। एवरेज क्या है, 4 कॉल इन एवरी 5 मिनट, यानी कि 4 कॉल्स में 4 कॉल, ISP 4 कॉल रिसीव करता है हर 5 मिनट के अंदर, पर मुझे 5 मिनट के अंदर 4 कॉल नहीं चाहिए, मुझे तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 10 मिनट के अंदर, है 10 मिनट में, तो इस 5 मिनट को 10 में कन्वर्ट करूंगा, कैसे, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा 4/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मिनट,
इस 1 मिनट को 10 में कन्वर्ट करना है, तो 10 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 10 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। तो इनकी कटिंग करूंगा तो आंसर आ जाएगा 5 1s are 5, 2s are 2, 4s are 8। इसका मतलब 10 मिनट के अंदर ऑन एवरेज जो ISP है वो 8 कॉल्स रिसीव करेगा। ये जो 8 है ना, ये एवरेज है, तो एवरेज का मतलब मीन आ गया मेरे पास। अगर मीन आ गया तो ठीक है, कहानी खत्म। 3 फॉर्मूलाज लग जाएंगे, एक एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, फिर 1 के लिए और फिर 2 के लिए। फिर इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को क्या करूंगा, 1 में से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले एक्स इक्वल टू 0 के लिए कर लेते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अब इसमें से हम माइनस करेंगे एक्स इज इक्वल टू 0, तो ई की पावर माइनस मीन कितना है 8, तो ई की पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर, सबसे पहले हम 0 के लिए करें, 8 की पावर 0 डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल, यानी कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो हमने 1 में से ये माइनस कर दिया 0, फिर इसी 1 में से माइनस करूँगा अब ये 1, तो इसके लिए ई की पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर, आज 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, फिर माइनस कर दूंगा नेक्स्ट, अब क्या आ गया एक्स इक्वल टू 2, अगेन ई की पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। तो 1 में से ये तीन वैल्यूज माइनस करूंगा, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9862। तो ये आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको देख लीजिएगा ये किस तरह से मैंने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने खुद हिम्मत करनी है, ठीक है, क्योंकि पेपर आप लोगों ने देने हैं, तो जितनी आप लोग खुद एफर्ट करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा आप फ्लुएंट हो जाएंगे इन सॉल्विंग क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31, ये भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है, ठीक है। एमरसी 4 कॉल्स, ये भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है, ठीक है। FX फूड चैनल रिसीव एवरेज 6 और इन, जब भी 4 मिनट टाइम का जिक्र आ रहा होगा, नॉर्मली पॉइजन का डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन ही होगा। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें सबसे कम इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, क्योंकि पॉइजन के फॉर्मूले में हमें सिर्फ मीन चाहिए होता है, या तो क्वेश्चन में एवरेज एवरेज की बात की जा रही होगी, ठीक है, एवरेज की, ठीक है। रिसीव 4 कॉल पर 30 मिनट, यहाँ पे लिखना चाहिए ऑन एवरेज, यहाँ पे ऑन एवरेज लिखा होना चाहिए, ऑन एवरेज, ठीक है, यानी कि 4 कॉल 5 ऑन एवरेज, ये देखो एवरेज आ गया, और एन एवरेज, ठीक है, और रिसीव एन एवरेज। तो पॉइजन के क्वेश्चन नॉर्मली एवरेज आ रहा है, देखिए रिसीव एन एवरेज टू ऑर्डर इन एवरी 4 मिनट, ठीक है, या एन और पी गिवन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लेंगे। तो तकरीबन 12.31 से लेके, ये भी पॉइजन का है ऑनलाइन चैनल, और ये 35 पॉइजन का है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। बाकी रिमेनिंग 5 क्वेश्चन जो है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, खुद सॉल्व कीजिएगा फर्स्टली, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको भी सॉल्व कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।